हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन गार्डनिंग एंड क्रिएटिव आर्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ब्यूटीफुल हाउस प्लांट जिसका नाम है एग्लोनिमा, और इसको चाइनीज एवरग्रीन भी बोलते हैं। और इस पे बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस और कलर शेड्स होते हैं। कुछ तो ग्रीन में होता है और कुछ पिंक में होता है। तो आज मैं आपके साथ ये पिंक एग्लोनिमा के बारे में कुछ केयर टिप्स शेयर करूंगी। तो इसमें बहुत सारे वैरायटीज होता है ये पिंक पे, और फिलहाल तो मेरे पास ये दो ही वैरायटी है। देखिए, इसको लिपस्टिक एग्लोनिमा बोलते हैं, ये छोटा सा जो प्लांट है, और इसको बोलते हैं कैटरीना एग्लोनिमा। और ये जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है, इसका और भी नाम है, इसको पिंक लेडी बोलते हैं, इसको वैलेंटाइन एग्लोनिमा बोलते हैं। और देखिए, इसका साइड में है पिंक बॉर्डर और बीच में ग्रीन, और इसका बीच में पिंक है और साइड में है ग्रीन। तो फ्रेंड, ये एक ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है, इसको हम इंडोर रख सकते हैं, मतलब हम लिविंग रूम में इसको रख सकते हैं, या तो ऑफिस में भी रख सकते हैं। आजकल ऑफिस में लोग बहुत प्रेफर करते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए। तो अगर हम इंडोर रखें तो इसको विंडो के पास रखें, जहाँ थोड़ा सा इसको इनडायरेक्ट लाइट मिले, ब्राइट लाइट, या तो मॉर्निंग का अगर सन मिले इसको एक घंटे का तो चल जाएगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा फिल्टर सनलाइट मिले तो भी ठीक है। बिल्कुल डार्क प्लेस पे इसको मत रखिए, तो इसको कलर नहीं खिलेगा। और इसको अगर डायरेक्ट सन में रखें तो इसका जो लीव्स है जल जाएगा, टिप ब्राउन हो जाएगा, और इसका कलर भी थोड़ा सा फेड हो जाएगा और ग्लॉसीनेस ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट लाइट में ही रखना चाहिए, और ऑफिस में पूरा दिन लाइट होता है तो आर्टिफिशियल लाइट पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, और ये समर में ग्रो करते हैं, विंटर में ये थोड़ा सा इसका ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो इसको हम केयर कैसे करें? एक तो इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए, नेक्स्ट है इसका सॉइल। सॉइल तो इसको बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, और इसको अगर रूट में पानी जम जाए तो रूट रॉट होने का चांसेस होता है। तो वेल ड्रेन सॉइल के लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा रिवर सैंड, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट। ये थोड़ा मॉइस्ट लविंग प्लांट है, मतलब मिट्टी वेल ड्रेन तो चाहिए मगर थोड़ा सा मॉइस्ट साइड में रहना चाहिए, मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये जो प्लांट है मैंने नर्सरी से नहीं लिया, मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया, और इसको काली रिपोर्टिंग हुआ इसका। और देखिए, मिट्टी बिल्कुल सॉगी भी नहीं है और ड्राई भी नहीं है, मॉइस्ट मिट्टी है। तो आप ऐसा मिट्टी बना लीजिए, और फिर इसका वाटरिंग तो इसको एक बार कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाटरिंग। जब तक इसका टॉप सॉइल नहीं सूखेगा तब तक वाटरिंग नहीं करें इसको। टॉप सॉइल सूखने का फिंगर मेथड से चेक कर लीजिए, अगर 1-2 इंची टॉप सॉइल सूखेगा उसके बाद ही फिर वाटरिंग करें इसको, और मिस्टिंग करें इसको। इसको मिस्टिंग बहुत पसंद है, मिस्टिंग में थोड़ा सा इसका टॉप सॉइल भी थोड़ा मॉइस्ट रहेगा और प्लांट फ्रेश भी रहेगा। फिर है इसका इन्फेस्टेशन। देखिए, इसका इन्फेस्टेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, और अगर आप रेगुलर मिस्टिंग करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, मगर आप इसको अगर बाहर रखें टेरेस में या बालकनी में, गार्डन में, तो स्पाइडर माइट का कभी कभी अटैक हो जाता है। तभी आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच 1 टीस्पून लिक्विड हैंड वॉश मिला सकते हैं, नहीं तो शैम्पू मिला लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए और फिर इसको स्प्रे कर दीजिए, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये पेरेनियल प्लांट है, पूरा साल भर ऐसे ही रहता है। देखिए, इसका फ्लावरिंग भी हुआ है, ये देखिए, मगर ये समर ग्रोइंग है, विंटर में इसका ग्रोथ स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है इसका फर्टिलाइजर।
ये हाई फीडर प्लांट नहीं है, इसको आप साल में 2 बार फर्टिलाइज करें, एक बार सितंबर में और एक बार फरवरी में। तो आप एक मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं। तो यही है इसका इजी केयर, ये बिगिनर्स भी रख सकता है। इसका बहुत सुंदर प्लांट है और इंडोर रखने के लिए तो बेस्ट प्लांट है। फिर है इसका प्रोपागेशन, प्रोपागेशन भी इसका बहुत इजी है। इसका जब ग्रोथ हो जाता है तो नीचे का जब लीव्स झड़ जाते हैं तो ये थोड़ा लेगी हो जाता है, तब आप स्टेम कटिंग से भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो आप 6 to 8 inches स्टेम कटिंग ले लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए, तो भी ये ग्रो हो जाएगा। नहीं तो रिपोर्टिंग के टाइम आप इसको रूट डिवाइड करके भी आपको और प्लांट्स मिल सकते हैं, मतलब रूट से इसका ब्रांच आउट होता है और कई बार इस साइड में तो बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो आप इजीली मतलब बेबी प्लांट निकाल के भी आप मतलब प्रोपगेशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर रूट डिवाइड करके कर सकते हैं और नहीं तो स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोपगेशन है 3 मेथड है इसका। तो फ्रेंड इसका केयर एंड प्रोपगेशन बहुत इजी है, बिगिनर्स तो आसानी से ये रख सकते हैं और बहुत सुंदर प्लांट है। ग्रीन के बीच में अगर लिविंग रूम में आप रखे तो मतलब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड आप भी लेके आइए, रखिए, और नर्सरी में तो आपको आसानी से मिल भी जाएगा ये प्लांट। तो फ्रेंड आज यही तक, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।